परासिया में बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध वसूली का मामला सामने आया है। रसूखदार सरकारी जगहों को अपनी बताकर छोटे व्यापारियों से जमकर वसूली कर रहे हैं। परासिया के बाजार में कुछ रसूखदारों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रसूखदार सड़कों पर अतिक्रमण कर और उसे अपनी जगह बताकर जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। वे छोटे छोटे किसान जो अपनी सब्जी की दुकान लगाकर रोजी रोटी चलाते हैं, उनसे किराया वसूल कर रहे हैं। सब्जी और ठेले वालों से शासकीय जमीन को खुद की बताकर अवैध वसूली की जा रही है। एक ओर जहां आम जनता कोरोना की मार से परेशान है, तो वहीं वह इन तथाकथित बदमाशों की वसूली से तंग आ गई है। बाजार में एक व्यक्ति के द्वारा जो अतिक्रमण करके दुकानें और सड़क पर जाम किया जा रहा है, इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसके लिए हमने एक टीम गठित करके वहाँ जाँच करवा रहे हैं। जमीन का उनसे कागज मांगे, कागज की मांग की गई है और वहाँ पर सीमांकन करके हम वहाँ पर उचित कार्रवाई व्यक्ति के खिलाफ करेंगे। का निवासी हूँ। दिनों दिन यहाँ पर भारी मात्रा में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जिसमें बाजार के छोटे व्यापारी किसानों को असुविधा का कारण करना पड़ रहा है। मैं नगर पालिका प्रशासन का ध्यान ये इसको आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि नगर पालिका यहाँ पर टैक्स वसूली करती है और ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।